गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बहुत खतरनाक सीन हो चुका है। गाड़ी का शीशा वीशा टूट गया, आओ जरा देख, पता नहीं क्या चोरी हुई है, क्या हुआ है देखते हैं। ये देखो भाई, पूरा लॉक पे भी आ चुका है। ये देखो, ये चोरी तो नहीं है फिलहाल ये, क्योंकि अंदर से देखो LCD भी है, बाकी सब चीजें बची हुई हैं। बस ये कांच टूटा है और कुछ शीशों पे गालियां वगैरह लिखी हुई, तो ये भी सही है, सब सही है। लेकिन ये शीशा इन्होंने पता नहीं क्यों तोड़ा है, ये किसी ने जेलिसी निकाली है अपनी। क्या हुआ CCTV का? कितनी देर में आएगा? पता नहीं कितनी देर में आएगा, 6 बजे तक आएगा। 6 बजे तक आएगा यार। CCTV कैमरा, ये रहा CCTV कैमरा भाई, ये रहा, ये दो लगे हुए इसमें, तो भाई मेरे को लग रहा है कैच हो चुका होगा सीन जो भी है। एक कैमरा वो रहा, ये देखो भाई पूरा शीशा टूट चुका है, बड़ा नुकसान हो गया है यार। ये CCTV वाले कब आएंगे? 5-6 बजे तक जुगाड़ करवा दो, उनको बोलो जल्दी आ जाए, क्योंकि एक बंदा है उसने शीशा वीशा टूटा है गाड़ी का और काफी नुकसान है। 5 बजे तक बस सही है ना, तो रुक जाओ थोड़ा। तो यार CCTV वगैरह होगी 5-6 बजे चेक। तो अभी हम बैठे हुए, एक बंदा है जिसने सुबह स्टोरी लगाई थी कि यार ये सीन है वैम्पायर की गाड़ी के साथ, ये हो गया वो हो गया, शीशा टूट गया, तो अब उसको बुलाया है। भाई ये देखो, वैम्पायर को ना किसी ने गालियां लिख के दी हुई है और इधर पता नहीं क्या लिखा है, और शीशा भी टूटा हुआ है गाड़ी का, कोई चोरी हो रही है। और CCTV अभी कैच हो जाएगा, उस CCTV में पकड़ा जाएगा। आ रहे हैं भाई बंदे, आ रहे हैं, फिर उसके बाद देखो CCTV में तुम लोग को दिखाते हैं क्या सीन होता है पूरा। अंदर तो भाई ये देखो तुम लोग, पूरा इसका शीशे का उथड़ के रख गया है, उथड़ गया है पूरा, ये शीशे की हालत देखो तुम क्या पूरा। और तो कुछ चोरी नहीं हुआ ना यहाँ से, LCD चोरी हुई ना, कुछ चोरी हुआ ना बाकी कोई सिस्टम हुआ है, पीछे से भी कुछ चोरी नहीं हुई, मतलब कोई भी चीज। ये देखो, एक ये कल मैकडोनल्ड की वीडियो बनाई, ये तक पड़ी हुई है, चोरी नहीं हुई। ये बैग तक चोरी नहीं हुआ भाई, बैग तक। अब क्या तुम लोग एक्सपेक्ट, बस एक बार CCTV आ जाए, पता चल जाए। अभी वो बंदा भी आया था जिसने सुबह वीडियो बनाई है और वैम्पायर की गाड़ी का शीशा टूट गया इस तरह की कुछ ने वीडियो बनाई है, वो तुम लोग को दिख रही होगी स्क्रीन पे। उससे भी बात हुई है, उसने बोला भाई यहाँ मैं हाजिर हूँ, जो भी सबूत है। CCTV से मेन चीज पता चल जाएगी हमें। ये देखो यार, अभी मेरे कट भी लगा। चलो देखते हैं अब कितने तक का नुकसान है यार, ये क्या है यार। मतलब लोगों में इतनी जलन हो गई है कि भाई ये बर्दाश्त ही नहीं होता उनको देख के यार, किसी और की कामयाब। मतलब ये चीजें चोर होता तो चोरी करके ले आता, ये पूरा इन्होंने तोड़ दिया है, तुम लोग देख रहे हो शीशा तोड़ा है और स्क्रैच भी मारा है इधर। मतलब भाई क्या करें अब इधर कराची में, अब CCTV देखना पड़ेगा, बस क्या कर सकते हैं। CCTV के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना उस बंदे को ब्लेम कर सकते हैं, ना किसी को ब्लेम कर सकते, ना किसी को रोक सकते हैं। CCTV हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन। ये निकाल दे एक काम कर, ये देखो यार, मेरी रानी के साथ क्या हो गया यार। ये गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है, ये देखो कांच की कांच पड़े ना इधर। ओए रुक जा भाई, मेरे ऊपर आई, टूट गया भाई पूरा कांच, कांच की बिल्कुल पापड़ी बन चुकी है। अरे गया, खत्म, सब खत्म। बहुत जलसी है यार लोगों में, कसम से दिल दुखता है यार। बंदा कुछ अच्छा करना चाहे लेकिन क्या बोलूं मैं। अभी CCTV वगैरह चेक करते हैं, फिर पकड़ते हैं किसी को, ऐसे नहीं पता चलेगा हमें भी। A few inches later. तो भाई जिसपे शक था ना, वो बंदा आया, ठीक है, उसने जिसने सुबह वीडियो बनाई थी, वो तो वो नहीं था, वो क्लियर हो गया। CCTV हमारे पास आ गई है फाइनली। अभी बाहर वगैरह बात हुई तो मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया, तो मसले वसाइल थे यार, उसको देखना पड़ता है सही तरीके से। अब मैं तुम लोग को दिखाने लगा हूँ CCTV के असली चोर कौन था और किसने वो शीशा तोड़ा और चीजें निकालने की कोशिश की, दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो CCTV, अब मैं तुम लोग को दिखाने लगा हूँ। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, दिख गई तुम लोग को गाड़ी, कबूतर ने किया हुआ है अपना। चलो अब देखो, ये आई 125, ठीक है, ये चोर लोग हैं। अब ये देखो, ये 125 रुकी इधर, ये एक बंदा, इसके आगे एक बंदा, दो बंदे हैं 125 पे फिलहाल। ये उतरा, इसके हाथ में कोई शॉपर थी, फिर उसने उसको पकड़ा। अब देखो ये जेब में डालता हुआ मस्त टहलता हुआ जा रहा है, इसको कोई डर खौफ नहीं है, मतलब चोरी करने आया है भाई तू, इंसान का बच्चा बनो। नहीं यार इनको देखो, सुबह के 9:52 कुछ मिनट हो रहे हैं और ये डेट, मतलब दिन दिहाड़े ये सीन हो रहे हैं। अब ये चलता हुआ जाता है गाड़ी की तरफ, ठीक है। ये देखो पीछे देखा इसने, आगे पीछे देखा, कोई नहीं है, शार्ट हो गया। इसने जेब से निकाला कोई औजार, अभी देखते हैं औजार कौन सा है वो। और ये 125 वाला देखो पीछे पीछे देख रहा है बार बार कि कोई आ तो नहीं रहा, ये वो इस तरह। ये देखो अब इसके काम चेक करो, इसके काम चेक करो। ये इसने पेचकस डाला और धड़म धूम धाड़ घुस गया शीशे में भाई, घुस गया पूरा तोड़ता हुआ अंदर घुसा। ये इसने पकड़ा जो इसके हाथ में लगा, उसने पकड़ के ये शार्ट हुआ। वो पीछे देख रहा है, जल्दी में थे, LCD कुछ नहीं निकाली। ये बेटा चोर, ये देखो ये इनकी शक्ल है, ये शार्ट हो गए। अब ये देखते हैं कि चीजें इन लोगों ने क्या क्या चुराई। सबसे पहले तो ये देखो शीशा बिल्कुल सलामत है, ये शीशा टूटा पेचकस से, इसने क्या उसको क्या बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर से इसने किया, ये घुस गया पूरा शीशे में, ठीक है, तोड़ के। बिल्कुल डर नहीं है, मेरे अभी कोनी पे लगी थी, मैंने कोनी बस लगा दी तो शीशे पे पूरा खून निकल आया था, लेकिन इनको कोई डर नहीं है। घुसा इसने, पकड़ा पेचकस अपने हाथ, स्क्रू ड्राइवर अपने हाथ में, वापसी चीजें निकाला, डैशबोर्ड खोला, डैशबोर्ड खोल के जो हाथ लगेगा पकड़ेगा। ये इसने टिश्यू पकड़ा, साथ आईफोन की लीड पकड़ी, ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, सस्ती खराब चीजें हैं ये वैसे। ये इसने पकड़ा, ये होल्डर होता है, मोबाइल का होल्डर लगता है स्क्रीन पे और मोबाइल लग जाता है उसमें, वो पकड़ लिया इसने। और एक और चीज इसने ये पकड़ी है, वो लगने वाला होता है जिसमें लाइटें वगैरह लग जाती हैं,
और इस तरह की चीजें। मेन चीजें हमारी गाड़ी में होती नहीं है कुछ, क्योंकि हमें पता है कराची है, चलता है ये सब, तो हम रखते ही नहीं है कुछ चीजें, ना पैसे है, ना पैसे तो दूर की बात है, कोई सामान भी नहीं रखते कीमती। इसको लगा कोई सीन होगा, तो ये अब देखो इसने सामान पकड़ा, ये देख रहा है पीछे, ये देख रहो, इसने इसको आवाज वगैरह दी होगी कि भाई कोई आ रहा है, ये शर्ट जाते वक्त घस रहे थे, अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये जाके सुकून से बैठ गया, इसको कोई मसला ही नहीं है, डर खौफ तो दूर की बात। अब देखो ये हंसते हुए गया है, तुम लोग को शायद स्क्रीन पे न समझ ना आ रहा हो, लेकिन ये हंस रहा है, ठीक है। ये बंदे हैं दो, ये चोर हैं जो मेन हैं, ठीक है। वो लड़का सही है बिल्कुल, शॉपर वोपर रखी हुई आगे, ये बंदे हैं, ठीक है। ये देख लो, ये ब्राउन कलर का कमीज सलवार और पीछे वो ग्रीन टाइप का कमीज सलवार, ये 125 पे आए, पूरी तैयारी से आए, चोर वोर शर्ट चुरा के टिश्यू पेपर, ये हमारा शीशा टूटा हुआ खराब, गाड़ी का नुकसान हमारा कर दिया। खौफ नहीं है भाई, क्या करें, कैसे छोड़ो यार। इधर ये लाइव स्ट्रीम भी हो रही है और मैं वो भी सेटअप अपना देख रहा हूँ कि यार ये क्या, वो क्या, वो चोर वोर का सीन, किसने चोरी की, किसने क्या किया। लाइव स्ट्रीम पे लोगों ने सारा कुछ देखा है, फुटेज भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी दिखाई है, और लाइव स्ट्रीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोकू गोकी, चोरी हो गई गाड़ी की हमारी। गोकू, आप जिस गाड़ी में घूम रहे थे वो गाड़ी चोरी हो गई, मतलब गाड़ी चोरी नहीं हुई, गाड़ी में चोरी हो गई। हाँ, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपनी मस्ती में मौज में रहती है। देखो अभी बैठ गई मजे से, चिकन चिकन खाओ तुम लोग, ठीक है, एंजॉय करो। अच्छा बस ठीक है, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। मैं आता हूँ जरा गाड़ी देख के। अब गाड़ी को जरा देखना पड़ेगा, कहाँ लगानी है, क्या करना है उसका, सही चीज और क्या क्या नुकसान हुआ है, थोड़ा और अंदर से देखते हैं। चल आजा आजा, लाइव स्ट्रीम अभी अभी हमने खत्म की है। ये अंदर दुकान में खड़ी करवा दी थी अंकल ने गाड़ी वाड़ी, तो अब गाड़ी दुकान से निकालता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ, बात करता हूँ। क्योंकि अब ये वाला शीशा नहीं है ना, तो यहाँ पे शीशा तोड़ दिया उसने, कांच शांच पड़ी हुई है, अभी चुप भी सकती है किसी को, और कोई शीशा विशा भी नहीं है, तो कोई बैटरी ना निकाल ले, ना कोई चीज ना निकाल ले, ये चीज ना निकाल ले, पीछे डिग्गी में कुछ लाइटें वाइटें पड़ी हैं वो ना निकाल ले, तो उस वजह से अभी हम बाहर नहीं खड़ी कर सकते गाड़ी, कल बनवाएंगे शीशा। आज तो चोरी वोरी चोर वोर को पकड़ने के चक्कर में हम बच गए, कांच पड़ी हुई है अभी भी, ये देखो यार पूरी पूरी कांच पड़ी हुई है, हमने पूरी निकाली थी आधी, लेकिन फिर भी मिरर खोल दे यार, कसम से यार गाड़ी चलाने का दिल नहीं चाह रहा यार अपने, मतलब इतनी दिल से बनाई थी गाड़ी और अब ये इतना दिल से बनाई थी यार, कसम से सही बता रहा हूँ। स्टिकर ये वो ब्लैक शीशे थे इधर, अब शीशे अलग लगाओ, ब्लैक उसको अलग करा और थे ओरिजिनल, इससे भी वैल्यू गिरती है, ये भी लोग देख लेते हैं कि क्या नाम है गाड़ी का ओरिजिनल है नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कोई कोड कोड टाइप सा ना, मैंने भी चेक किया था जब हमने ली थी, ये भी सीन होते हैं भाई, ये चीज बहुत गलत है यार, मतलब एक अब बंदा व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता, व्लॉग में क्या करें यार, मतलब इतना डर लगता है ना कराची में, कैसे जिंदगी बंदा गुजारे अब कराची में, तो ऐसा लग रहा है आजाद ही नहीं है हम, ये किस बात की आजादी जबकि आजादी ना हो, हर बंदा क्या गार्ड लेके घूमे, फिर किस बात की आजादी, क्या फायदा यार, बंद करो यार, मैं बात करता हूँ यार, रश वश खत्म हो फिर। इनके 10 बजे भाई लोग अपना काम वाम के लिए निकलते हैं, लोग हलवापुरी वाले के लिए निकलते हैं, वहाँ दिन दहाड़े चोरी हो रही। अब देखो यहाँ का शीशा खुला हुआ, ऐसा लग रहा है अभी कोई आएगा, चलो भाई मोबाइल निकालो, क्या करूँ क्या करूँ मैं, कामयाब नहीं देख सकते लोग एक दूसरे को, नहीं आने पे लगे, पहले मुझे लगा ये चोरी नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चोरी है, किसी हेटर का काम, गालियां जो लिखी हुई थी भी देखते हैं किसने, वो सीसीटीवी आ जाएगी, तो पुलिस भी देख रही होगी ये व्लॉग, तो अगर पुलिस को भी पता चले मतलब इन चीजों के बारे में, तो भाई आप पकड़ लो, हमें क्या करना है यार, हो गया है देखो अभी कांच चुभ रही है मुझे, ये खिलौने शिलौने पड़े हुए थे इनका बस नहीं चले, ये भी ले जाते ही है, इस तरह उसने सामान में हाथ डाला है ना और उस तरह लेके गया बूढ़ा निकाल के, बैटरी की वारंटी ये भी ले जाता, ये भी ले जाता, ये भी ले जाता, तू मतलब बात ये नहीं है कि लेके क्या गया, हो सकता है यहाँ पे अब मैं फोन भी होता मेरा कोई ये वाला, तो क्या करूँ, क्या हो क्या, कुछ भी हो सकता था इधर रखा, मेन चीज कोई खास चीज, गाड़ी का ओरिजिनल पेपर हो सकता था, रह क्या गया के कराची के हालात ऐसे क्यों है, चाबियां भूल जाते हैं घर की, बात ये है कराची को हो क्या गया, मतलब ये क्यों आए दिन रोज टक्कर के वीडियोस आ रही हैं, ये वो मास भाई ने भी यही बोला होगा वीडियो में, तुम लोगों ने देखा होगा और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी यही बोला है, आज तक मेरा ना मोबाइल छीना है ना इस तरह का कोई सीन हुआ, ये पहली बार ये कोई चोरी हुई है, मतलब मेरी अपनी, ठीक है। कराची बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है, बहुत नाम खराब हो रहा है कराची का तो वैसे भी, और ये सच्चाई भी है, अब कब तक हम छुपाते रहेंगे कराची हमारा बहुत प्यारा है ये है वो है, अब सच्चाई भी तो दिखाया, अब देखो मैं मोबाइल यूं किया हूँ नीचे, मैं ऊपर करके नहीं बना सकता, वीडियो अच्छी बनेगी लेकिन एक माइंड सेट है, अच्छी वीडियो इधर से बन रही है लेकिन नहीं यूं रखना, छोटी छोटी चीजें मतलब ये हमें देखनी पड़ती है कराची में। हाँ यार फिलहाल तो पुलिस में भेज दी है वीडियो, ठीक है पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो वगैरह भेज दी है, वो जो थी चोरों की वो हमने भेज दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह पकड़े भी जाएंगे। पूरी गाड़ी बिल्कुल सही है, बस ये देखो ये स्क्रैच मारा है उन्होंने, वो जो तुम लोगों ने सीसीटीवी में देखा किससे विंडो ओपनर होता है तो उस तरह, ये देख लो इसने यहाँ से मारा है और ये पूरी गाड़ी यूं हुई है, देखो पूरा टेढ़ा हो गया ये यहाँ से, देख लो ये टेढ़ा हो गया स्क्रैच का निशान, ये पूरा शीशा इसके अंदर कांच ही कांच है, जरा इसको कर जरा ऊपर कर, ये देखो भाई कांच ही कांच, कांच ही कांच इसके अंदर भी,
इसके अंदर भी कांच ही कांच है भाई, मतलब ये नुकसान अलग, ये देखो कांच ही कांच पड़ी हुई है पूरी की पूरी, ये सर्विस करवाएंगे हम, ये देखो। खैर यार, कराची को संभालने वाला कोई नहीं है, कराची बेचारा लवार। चलो यार, खैर गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं किसी अंदर अंदर जगह पे खड़ी करते हैं, दुकान वुकान में खड़ी कर सकते हैं। शीशा गायब है, शीशा गायब है, कांच शांच मेरे पाँव में भी लगी है, हाथ में भी लगी है। चलो यार, लाइट को भी क्या होगी। यार फाइनली घर पे मैं आ चुका हूँ यार, जो होना था वो तो होना ही था यार, किस्मत में था। चलो अब अल्लाह के भरोसे हमने छोड़ दिया यार, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, उस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, ठीक है, और ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुंचे और जो चोर है वो पकड़ा जाए। उसके लिए बस लाइक और शेयर करना पड़ेगा, तुम लोग को लाइक और शेयर दबा के कर दो भाई। अब कराची के हालात तो यही है भाई, अब हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, ठीक है, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बेजार आ गया हूँ इन चीजों से। मैं मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, और आगे मैं सीसीटीवी भी लगा दूंगा क्लियरली, जिसमें तुम लोग सब देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़ यार।